प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में एक ऐसे अंक का काफी इम्पोर्टेंस होता है जिस दिन उसका जन्म होता है। जी हाँ, जिस तारीख को जन्म होता है उस दिन वह अंक, वह तारीख उस व्यक्ति के जीवन में समय समय पे आता रहता है। उस अंक को यदि आप जान लें तो फिर आप उस व्यक्ति के जीवन की एक रूपरेखा आप पता कर सकते हैं कि इसके जीवन में क्या स्थितियां हैं, कैसे हैं, ये सारी बातें आप जान सकते हैं। तो यह एक साइंस है, यह एक विज्ञान है जिसके बारे में काफी दिनों से आप लोगों ने सुना और मैंने एक रिसर्च किया और एक केस के रूप में आपके सामने आया हूं। मैं हर एक जीरो, एक से लेकर के 9 तक के अंकों, यानी अगर आपकी तारीख 1 से लेकर 9 के बीच में है तो फिर निश्चित रूप से आपके पास ये जो प्रभाव होगा वह निश्चित, वह प्रभाव उसके अंतर्गत होगा। इस बात को हम जानते हैं और परखते हैं। चलिए हम लेते हैं उन व्यक्तियों का जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को हुआ है और 28 तारीख को। जी हाँ, यह कोई कोई जरूरी नहीं, ये पूरे दुनिया में जितने लोग हैं जिनका जन्म हुआ है और कोई ना कोई तारीख को ही हुआ है, कोई ना कोई डेट है, उस डेट को अगर जन्म हुआ है तो हम लोग इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में वो प्रभाव उसके जीवन में होता है या नहीं होता है। बहुत से लोगों का मानना है कि ये विधाएं जो होती हैं ये बिल्कुल कहीं ना कहीं इनका सिर और पैर नहीं होता है, लेकिन इसी दायरे में आज तक हम लोगों ने हेल्थ और सेफ्टी के बारे में केस एनालिसिस किया, तमाम तरह की बातों को किया। अब हम इस केस को लेंगे, इस पूरे विश्व में जितने लोग हैं जिनका जन्म जो है हुआ है निश्चित रूप से किसी न किसी तारीख को हुआ है। तो आज जो इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं उन लोगों के लिए जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को। जी हाँ, ऐसे लोग जो होते हैं वो काफी तेज होते हैं। इनकी संज्ञा जो इनकी तुलना, इनका जो कंपेरिजन कह जाता है, तुलना कह जाता है, वह एक ऐसे व्यक्ति से जो चारों तरफ से चमक रहा हो। जी हाँ, जिसे आप सूर्य कह सकते हैं। यह लोग जो है अपने आप में अद्वितीय होते हैं। इनकी जो एम्बिशंस होते हैं, इनकी जो क्षमता होती है, इनकी जो कैपेसिटी होती है, इनका कोई जवाब नहीं होता है। ये लोग इस तरीके का होते हैं। अब देखिए, उनके मैं यहाँ पे जो बात करूंगा इनके जीवन की, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव और फिर 4 एग्जाम्पल, मैं 4 से 5 एग्जाम्पल आपको बताऊंगा कि इस डेट में किन लोगों का जन्म हुआ था, यह समझने के लिए कि क्या वास्तव में यह सही है या झूठ है। इस बात को क्या यह हिंदू पे भी अप्लाई होता है, मुसलमान पे भी अप्लाई होता है, सिख, जी हाँ, ये दुनिया में जितने लोग हैं ये सबके ऊपर अप्लाई होता है। और चलिए देखते हैं, और देखने के बाद आप खुद आजमाइए क्या वास्तव में सही है या गलत है। तो यदि इन लोगों का जन्म, जिसका भी जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को हुआ, 28 तारीख को, जैसा कि मैंने बताया कि ये काफी तेज होते हैं और तेज के साथ इनकी अंदर जो चीजें होती हैं, पहली बात में कॉन्फिडेंस, इनके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है और उस कॉन्फिडेंस को कोई हिला नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। यानी हम ये बोल सकते हैं कि दैट पर्सन इज द मोर एम्बिशियस, वो काफी महत्वाकांक्षी होते हैं। दूसरा, जो इनका जो मेरिट्स होता है, जो इनके बारे में जो बताई जाती है, वो जो होता है वो किसी भी चीज के लिए अगर वो टिक जाए कि नहीं मुझे ये करना ही है, एनी हाउ एनी कास्ट, तो फिर ये पीछे नहीं हटते। फिर मैं बात करूं इनकी, इनके साथ एक चलता है सेल्फ रिस्पेक्ट, ये स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं, यानी इनका सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं भी कुछ दिक्कत होता है या उससे कोई कंसिडर करने की कोशिश करता है तो निश्चित रूप से यहां तक कि ये दोस्ती भी तोड़ देंगे या वो संबंध भी तोड़ सकते हैं। तो ऐसे लोग का यह स्वभाव होता है, ये जिसे हम कहते हैं जनरल प्रेडिकेशन ऑफ द लाइफ, उनके लाइफ का एक प्रेडिकेशन है। इस चीज को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद से ये होता है हार्ड वर्किंग। ये हार्ड वर्किंग मतलब किसी भी काम को करने से ये पीछे नहीं हटते, ये जीवन में हमेशा मेहनत करने में विश्वास रखते हैं, ये हमेशा मेहनत करने में विश्वास रखते हैं, लोगों का साथ देते हैं। हाँ, धोखा देना इनकी आदत नहीं होती है। इनका स्वभाव जो होता है काफी क्रोधी स्वभाव, मतलब काफी ये टेम्पर होते हैं, शॉर्ट टेम्पर होते हैं, जैसे टीन का जो बर्तन होता है बहुत तेजी से गर्म हो जाता है फिर ठंडा हो जाता है, लेकिन इनका हृदय जो होता है वो काफी कोमल होता है, ऐसा हमने
उसमें देखा है और एनालिसिस जो हम लोग कर रहे हैं, तो ये हो गया। इसके बाद से ये कभी डरते नहीं है दुनिया के किसी भी इंसान से, ऐसे इंसान ऐसा व्यक्ति वो डर ही नहीं सकता है, क्योंकि यह इंसान कभी गलत नहीं करते हैं। ये अपवाद होते हैं कुछ लोग ऐसे जो लोग ऐसा करते हैं। ये रहा मेरिट, अर्थात अगर आपका जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को हुआ है तो फिर ये सारी चीजें आपके साथ होती हैं या नहीं तय आप करिएगा, और जरूर बताइएगा मुझे कि वास्तव में यह सच्चाई कितना है, ताकि मैं और भी इस पे रिसर्च कर सकूं और जानने की कोशिश कर सकूं कि क्या सच है क्या झूठ है। डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, और भी मैं बात करूं, इनकी डिमेरिट्स की बात मैं करूं तो इनको जो क्रोध जो होता है ना, गुस्सा जो होता है बहुत ज्यादा आता है, और ये कभी भी अपने कार्य से संतुष्ट नहीं होते, कभी भी ये सेटिस्फाई नहीं होते। ये जो कुछ भी हैं, जिस फील्ड में रहते हैं, अपने अपना जो कुछ भी काम किया, ये कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। इन्हें लगता है यार कुछ ना कुछ कमी रह गई, कुछ ना कुछ और होना चाहिए। ये कभी झुक नहीं सकते, ये कभी किसी टाइम से चाहे किसी भी बात से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इनकी आदत नहीं होती है, ये कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये विश्वास जल्दी से करते हैं, और विश्वास करने का नतीजा क्या होता है कि जिस पर ये विश्वास करते हैं वही इंसान कुछ ही दिनों बाद इन्हें धोखा देता है। बार बार ये धोखा खाते हैं, फिर भी अपनी आदत ये नहीं छोड़ते, क्योंकि इनका स्वभाव है। लोग कहते हैं यार अपनी आदत बदलो, वो नहीं बदल सकते क्योंकि उनका स्वभाव है, अच्छाई कभी नहीं बदल सकती। डियर स्टूडेंट, इनके जीवन में यही कारण है कि तनाव भी आ जाता है। ये काफी कभी कभी निराशा हो जाता है इनके जीवन में, ये डिप्रेशन के भी शिकार होने लगते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये संभल जाते हैं। आगे मैं बात करूं, अनुशासन में रहना इन्हें पसंद बिल्कुल नहीं। कोई टीका टिप्पणी करे, बहुत ज्यादा कमेंट करे, बहुत ज्यादा नियम कानून बनाए, ये बिल्कुल इनको पसंद नहीं, क्योंकि इनका सिद्धांत ही अपना अलग होता है, खुद का सिद्धांत होता है। अगर मैं बात करूं अब एग्जांपल की कि ऐसे कौन से लोग हुए हैं जिसका हिस्ट्री अगर देखा जाए, इतिहास के बारे में देखा जाए, एविडेंस उसका मिलता है, इतिहास क्या गवाही देता है, तो हम देखते हैं एक नाम आता है जिसके बारे में आपने भी जाना है, जिसे हम लोग सिकंदर महान के नाम से जानते हैं। जी हाँ, इसका जन्म, सिकंदर महान का जन्म 1 जुलाई को हुआ था, यानी 1 जुलाई, जैसे 1 जुलाई हुआ तो मैंने क्या आपको बताया, 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, यानी 1 तारीख हो गया, 10 को भी क्या होगा इसका योग आएगा 1, 19 तारीख, 9 और 1 10 आ गया, 10 ये भी हो गया, 28, 8 2 10 ये भी आ गया, 1 आ गया, तो या ये हो गया। उसके बाद से हम बात करते हैं दयानंद सरस्वती, जो हिंदुस्तान के इतिहास में इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, इनका जन्म 1 जून। इसके बाद हम बात करते हैं महाराणा, माफ कीजिएगा, दयानंद सरस्वती 19 जुलाई। इसके बाद मैं बात करता हूं महाराणा प्रताप का, जो जन्म हुआ, इनका जन्म था 1 जून। इसके बाद मैं बात करता हूं जिसे कोई परिचय की या बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं, इस देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, इनका जन्म 19 नवंबर। इसके बाद मैं बात करता हूं क्रिकेट के फील्ड से, अगर आप खिलाड़ी हैं तो निश्चित रूप से जानते हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं, सुनील गावस्कर, जिनका जन्म हुआ था, सॉरी माफ कीजिएगा, जिनका जन्म तिथि है 10 जुलाई, ठीक है। अब ये लोग हैं, इसमें कितना सही है कितना है, आप जितने भी लोग देख रहे हैं निश्चित रूप से इनमें से किसी न किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख को होगा, 10 तारीख को होगा, 19 तारीख को होगा, 28 तारीख को होगा। अगर इनमें से अगर कोई भी बात आपको लगती है कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो मुझे जरूर बताने की कोशिश करिएगा, ताकि हम अपने रिसर्च को और आगे बढ़ा सके। इसी के साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे, पुनः हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।